अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मैं फैमिली के साथ मौजूद हूँ। 11 साल हेज़ल है और इसके साथ साथ ये उनकी मदर है। हेज़ल और इनकी मदर और इनके साथ एक और इनकी बेटी मकान शिफ्ट करने के लिए एक शख्स का सहारा लेती हैं। वो शख्स इनका सहारा बनता है, मकान शिफ्ट करवाता है, उसके बाद इनसे ताल्लुक जोड़ता है और इनको नहीं पता चलता कि उसकी शुरू से इनकी बेटी पर नजर है। वो 7-8 दिन का ताल्लुक बनाता है, चीजें लाता है बेटी के लिए और इसके साथ साथ चाय यहां पे खुद बनाता है, खिदमत करता है, उनको माँ जी कहता है। लेकिन अचानक पता चलता है कि एक दिन ये चीज लेने गई तो इसको वहां से ले जाने के बाद वो ज्यादती का निशाना बनाता है हेज़ल को, और हेज़ल वापस आके अगले दिन सुबह अपनी माँ को बताती है। ये बनावटी रिश्ता और ऐसे लोग जो है वो हमारी सोसाइटी में मौजूद है। हेज़ल यहाँ पे मौजूद है। हेज़ल बेटा क्या हुआ था, बोले बेटा? हेज़ल शॉर्ट सा बता दो। हेज़ल क्यों है, बात क्यों नहीं करना चाह रही और क्या हुआ क्या था एक्चुअली, आप बताएं सारा। ये है कि बहुत डरी हुई है, ये है कि जितने न्यूज़ वाले आए हैं मैं थैंक्सफुल हूँ कि उनके सामने तो बहुत कॉन्फिडेंट रही है, मेरे साथ चिपक के रहती है, सोती है, लेकिन फिर भी बहुत अंदर डर भर गया है। हुआ क्या था एक्चुअली? एक्चुअली हुआ है सीधा रेप क्या किया है, एक इतने 27-28 साल के आदमी ने मेरी बेटी का रेप सेना किया है, और जितना गुस्सा शायद अभी इस माँ को आ रहा है मैंने कंट्रोल किया हुआ है। तो हुआ कैसे, ताल्लुक कैसे बना था उसके साथ? उसके साथ ताल्लुक ऐसे ही बना था कि थोड़ा सा हेल्प मांगा सामान के लिए, एक उंगली फुराई पूरा हाथ पकड़ के घर बैठ गए हैं। तो इट्स ओके, ऐसे लोग भी हैं जो फिर इसका सामने भी आ जाते हैं। अच्छा, वो आता था आपके, चाय बनाता था, बैठता था, चीज़ें लाता था, फ़ोन करता था? हाँ जी बिल्कुल नॉर्मल, तो किसी बेड जिससे आप पूरा एतमाद में लेना। आपको पहले एतमाद में लिया, आपको नहीं शक हुआ कि उसकी बेटी पे नजर है? बिल्कुल शक नहीं हुआ क्योंकि बहनें मांगता था और ऐसे बहनों की तरह बात करता था। इनको बहन कहता था, आपको माजी कहता था? जी, तो मुझे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं कि ये कोई ऐसी हरकत, उसकी हालत ही ऐसी। इट्स ओके, तो मैं जैसे कि इसी पे यकीन नहीं करती, अब तो और भी यकीन खो बैठी हूँ। ठीक है, उसने उस दिन क्या हुआ था, कितने बजे गया लेके, क्या कह के गया? 9 o'clock लेके गया, मेरे से ये पूछने आई है मम्मा चीज़ लेने जा रही हूँ, आई नो वेरी वेल के सामने दुकान शॉप से है, ये अभी आ जाएगी चीज़ लेके। अब आपको पता था ये उसके साथ जा रही सरफराज जी, उसके सरफराज के साथ जा रही है ये, राइट? मुझे इतना पता है बॉटल एंड इसकी लेयर्स होती हैं, वो ही इसको लेके यहाँ से आ जाएंगे। आई डोंट नो कि बाइक स्टार्ट की आवाज़ आएगी यहाँ तक बाइक की, नो स्टार्टिंग में जब अकेली आई है भागती ऊपर, मैंने कहा कहाँ गए आपके भाई का है, तो कहती मम्मा छोड़ के चले गए हैं। मैंने कहा आज वो गेम खेल रही हूँ, आप गेम खेलो, मैं किचन में जाती हूँ। नहीं, गेम में लगी थोड़ी देर के साथ आई हूँ उसके साथ बैठी हूँ, हाथ लगाया, टेम्परेचर फील किया, थोड़ी देर के बाद एकदम फेस उतर नहीं आता। हम बड़े जैसे काम जाते हैं तो ये तो बहुत बच्ची है, बहादुर जी। आपको इसके तासुरात देख के अंदाजा हो गया था? हो गया था जी, इसने मुझे मॉर्निंग में सारी रात चिपक सोई है, जितना भी टाइम है हम माँ बेटियाँ सोती हैं 3 या 4 बजे तक, ऐसे ये टाइम हो जाता है, तो 10 और 11 इस तरह उठते हैं, लेकिन उस दिन मैंने इसको जगा दिया। बिल्कुल मेरा बच्चा परेशान लग रहा है, क्या बात है? मामा ने ये सिखाया ना कि अच्छी दोस्त होती है मामा, सब बेटियों की दोस्त मामा अच्छी। आपने पूछा इससे? जी। इसने क्या बताया? इससे कहा मामा अंकल ने मेरे से गंदे काम किए हैं। मैंने कहा गंदे काम? मैंने हौसला पकड़ा, हिम्मत पकड़ी, उसके लेकिन पहले जो मैंने देखा खुद सारा, तो सीरियसली टूट जाती हूँ आगे, तकलीफ है मुझे, तकलीफ है अगर इन बच्चों के सामने आज मैं टूटूंगी, तकलीफ होगी। जब देखा तो कंडीशन सही नहीं लगी, उसको मैंने कपड़े चेंज करवाए, यहाँ तक कि अपनी बड़ी बेटी को भी बताना मैंने ज़रूरी नहीं समझ रही थी, लेकिन रानी क्या, क्योंकि मैं हम तीनों ऐसी अच्छी दोस्त हैं,
ये अपनी ही बात एक दूसरे को नहीं करते हैं, हम लोग चुती रूम में हो जाए। ठीक, उसके बाद इसको हॉस्पिटल लेंगे आप? मैं फॉरन हॉस्पिटल में विद इन 20 एंड 15 मिनट्स के अंदर हॉस्पिटल। पर्ची बनवाई, रेप की, पुलिस केस बनेगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एविडेंस दूंगी। एडमिन ऑफिस गई, उनसे इजाजत ली, डॉक्टर से अपना काम करना शुरू किया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, एक इतना से पर्ची मिलती है वो उन्होंने मुझे दिया। मैंने वो दिखाईगा शॉप, मेरे ब्लैक पैक पे ऊपर ही ऐसे ही पड़ी हुई है। ठीक है, वो मतलब FIR? ठीक है, राइट। तो शाम को 7 o'clock मैं बाहर ही बताया गया कि आपकी बेटी के साथ जिना हुआ है, गलत हुआ है, और जब एक डॉक्टर की आंख में आंसू आ सकते हैं तो सोचो उस वक्त माँ का क्या हाल होगा। अच्छा, आजकल के दौर में तो जो मीडिया है उस पर बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं, जैनब के साथ भी इसी तरह हुआ, तो आपने कैसे यकीन कर लिया उस पर? ठीक है, आपने उस पर यकीन कैसे कर लिया? यकीन याद रखिएगा, मैं किसी भी चीज पे नहीं करती भरोसा, तो जब से मेरे हस्बैंड ने तोड़ा है, जब एक हस्बैंड ही नालायक जाहिल आदमी निकला है, तो मैं 21 साल के बाद कैसे फेंक के गया हम लोग को, उसको ये नहीं पता। ठीक है, इसकी बेटियां जवान हो रही है। आपने इस शख्स पे कैसे एतबार कर लिया? बस ऐसी हंसते खेलते, किसी का ना आना घर में, बाजू का आंखों में पट्टी आ जाती है जी, ना घर में आना किसी का, ना कोई जाना, तो ना मैं किसी से कहीं घर भी लूं, तो मैं किसी से इतना मिलजुल के नहीं। अच्छा, फिर आपने पुलिस को कैसे इत्तला दी और कैसे पकड़वाया उसे? उसको शक नहीं होने दिया आपने? मैंने बिल्कुल शक नहीं होने दिया। पॉइंट्स तो मारे इसको, लेकिन उसको समझ नहीं आई। मैं पकड़ूंगी, एक दफा ही पकड़ूंगी। बस जैसे दीदी आई हैं, मैंने कहा वो रहा सीढ़ियों पे, दीदी ने खींचते हुए मारना शुरू किया, यहाँ लाई हैं, यहाँ ला के मेरा जो, मेरे तो हाथ रुक ही नहीं रहे थे, मेरे तो हाथ पे कुछ चीज़ों तो शायद मैं मार ही देती उसको, शायद मेरे हाथों ही, मेरे हाथों ही कोई हो जाता। मारते मारते मैं 15 नंबर पे जब कॉल पुलिस आ रही थी उस तक मैंने उसको 15 पे कॉल की इन्होंने, और उसके बाद उसको पकड़वा दिया। इधर बेटा बात करूँगी। बोलो बेटा, बताओ कैसे गए थे चीज मम्मा से पूछ के, क्या लेने गई थी सामने? शाबाश, बोलो। बोले बेटा, हेजल है 11 साल की उम्र है, इन्होंने उसके बाद उसको शक नहीं होने दिया सरफराज को, और उसे कॉल करके इसी फ्लैट पे बुलाया जिस फ्लैट में वो पहले आता था, और जब पुलिस आई तो इन्होंने उसे पकड़वाया। अब वो पुलिस की हिरासत में है और यकीनन इसको इंसाफ मिलेगा। हेजल जो है वो 11 साल की बच्ची है, और जो दरिंदा सिफ्त इंसान है सरफराज, वो अब पुलिस की हिरासत में है। अब ये इंसाफ के मुतलाशी, इंसाफ के तलबगार है। हमारे मुआशरे में इस किस्म के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, और इनकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि बच्चियों के साथ साथ खुसूसन उनके मोबाइल यूजेज और इसके साथ साथ आने जाने वालों पर भी नज़र रखनी चाहिए। और जैसे इन्होंने कहा कि एतबार किसी का नहीं करना चाहिए कि वो आखिर किस नीयत से आपके घर में दाखिल हुआ, क्योंकि ऐसे वाकयात इसी तरह से जन्म लेते हैं।